हेलो दोस्तों, IAS फर्स्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में कुछ नए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि UPSC का जो प्री एग्ज़ाम है वो 2 जून को होना है, तो अभी 2 महीने हार्डली बचे हुए हैं, तो उसमें आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 75 के बारे में। प्रोजेक्ट 75 वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। इट रिफर्स टू ऑप्शंस आर ए इंडियाज़ मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम, बी लार्ज स्केल सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, सी एन इनिशिएटिव टू डिजिटाइज एंड अचीव कल्चरल वर्क्स, डी इंडिया से स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोग्राम। दोस्तों, मैंने इसमें पूरा का पूरा ऑप्शन नहीं बताया है क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेता है, इसलिए हम आने वाले जो क्वेश्चन पे अगर क्वेश्चन रहेंगे तो स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, सीधे आप क्वेश्चन पढ़ना, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन स्टेटमेंट जो भी आप पढ़ के सीधे आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि जिससे हमारा जो समय है वह भी बचे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, इंडिया स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोग्राम। दोस्तों, यह जो प्रोग्राम है उसमें कुल 6 स्कॉर्पियन श्रेणी के सबमरीन का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, जिसमें से 3 जो कि नाम है कलवरी, खांडेरी, करंज का जल अवतरण हो गया है, मतलब उन्हें नौसेना में शामिल कर लिया गया है। और जो बाद के 3 हैं जो कि हैं वेला, वागीर, वाक्षीर, तो इनका भी निर्माण चल रहा है, यह भी डेवलपमेंट फेज में है या कंस्ट्रक्शन फेज में है। तो याद रखिए 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले हैं, जिसमें से 3 नौसेना में शामिल हो गए हैं और 3 अभी बन रहे हैं, और 6 में से जो स्टार्टिंग के 3 है ना, वही याद रखिए। एक बार हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट 75 है क्या। द प्रोजेक्ट 75 डील्स विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन नेवीज स्कॉर्पियन क्लास स्टील सबमरीन, एंड अंडर दिस प्रोजेक्ट इंडिया विल कंस्ट्रक्ट 6 नेक्स्ट जनरेशन डीजल सबमरीन विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी फॉर द इंडियन नेवी बाय 2022। तो 2022 तक इन 6 का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जबकि 18 में ही अभी पिछले वर्ष ही जनवरी या फरवरी में INS करंज को नौसेना में शामिल किया गया था, उसके पहले दिसंबर 2017 में INS खंडेरी को किया गया था। याद रखिए पहला प्रोजेक्ट 75 के तहत जो सबमरीन है वह INS कलवरी है, यह याद रखिए। और ये जो प्रोजेक्ट है वह किसके पार्टनरशिप में हो रहा है, तो ये फ्रेंच की कंपनी है DCNS, उसके द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, याद रखिए यह जो पनडुब्बियाँ हैं उनका कार्य क्या होगा, वह क्यों नौसेना में शामिल की जा रही है। तो नौसेना में उनके शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य जो है वह है पनडुब्बी रोधी युद्ध के समय उनका उपयोग करना, खुफिया जानकारी एकत्रित करना, माइंस बिछाना हो अंडर द सी, हाँ माइंस खाली जमीन के नीचे नहीं होता है, माइंस समुद्र के नीचे, समुद्र के जल सतह से नीचे भी माइंस बिछाया जाता है, तो उसके काम में, देन क्षेत्रीय निगरानी करना है, सर्विलेंस के लिए भी इस पनडुब्बी का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वंगाला हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी मेघालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, मेघालय। यह जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है यह कहाँ पे मनाया जाता है, यह मेघालय में मनाया जाता है, और मेघालय में कहाँ पे, तो ये गारो पहाड़ी क्षेत्र में मनाया जाता है, और गारो पहाड़ी क्षेत्र जो है यह पश्चिमी मेघालय में है। याद रखिए मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, तो यह गारो ट्राइबल्स द्वारा, गारो आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। और इसमें क्या होता है, जब फसल की कटाई हो जाती है तो अब फसलों को बेचना है या जो भी करना है उनमें, उसके पहले उन लोग क्या करते हैं, तो उसके पहले उन लोग सबसे पहला जो फसल काटते हैं उस फसल को यह सूर्य देवता को चढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर यह जो वंगाला हार्वेस्ट फेस्टिवल है उसे मनाया जाता है। तो एक बार हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। गारो ट्राइबल्स पीपल्स ऑफ मेघालय सेलिब्रेटेड द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ वंगाला टू मार्क द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टॉयल फॉर फार्मर्स वॉन्टिंग अ गुड आउटपुट फ्रॉम देयर फील्ड्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह
प्री हार्वेस्टिंग फेस्टिवल नहीं है, ये पोस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। मतलब जब फसल की पूरी तरह कटाई हो जाती है, फसल को बेचना रहता है या उसे अपने ही उपभोग के लिए करना है, तो उस समय यह फेस्टिवल मनाया जाता है। नॉर्मली जो दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं वह जब फसलों फसलों फसली मौसम शुरू होता है तब मनाया जाता है, लेकिन यह फसलों की कटाई के बाद मनाया जाता है। और एक बार मैप भी देख लेते हैं कि गारो खासी जयंतिया यह पहाड़िया मेघालय में कैसे कैसे विस्तृत हैं। तो मेघालय को अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। तो यह जो पार्ट है वह गारो है, बीच वाला खासी, और ईस्टर्न जो पार्ट है वह जयंतिया है। इतना आप याद रखिए, यह गारो में है, यह भी आप जरूर याद रखिए। गारो इस वर्ष दो तीन वजहों से न्यूज़ में था, इसलिए मेघालय न्यूज़, मेघालय एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन मेघालय के अंदर भी गारो सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रेट व्हाइट शार्क। आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, इसमें हमें करेक्ट कोड चुनना है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, वन ओनली। हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जो पहला स्टेटमेंट है वह कहता है कि IUCN लिस्ट में ग्रेट व्हाइट शार्क वल्नरेबल स्पेसीज है, जो कि सही है। लेकिन दूसरा कहता है कि यह केवल पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में मिलता है, जो कि गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, साउथ अफ्रीका, एशियन कंट्रीज़ में भी पाया जाता है। अब साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका तो इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन से सटा हुआ है, तो पैसिफिक ओशन जो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि केवल पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, तो यहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन रीजन में भी पाया जाता है। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वही सिर्फ सही है, दूसरा गलत है। और ध्यान दीजिए, इसमें ओनली वर्ड का प्रयोग हुआ है, जहाँ ओनली वर्ड का प्रयोग हुआ हो वहाँ अपने दिमाग की बत्ती जरूर जलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIF। इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। ऑप्शन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह जो NIIF है वह अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर रजिस्टर्ड है, और इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है या किसने किया है, तो इसका रजिस्ट्रेशन सेबी ने किया है। तो यह जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। और दूसरे में कहता है कि भारत सरकार का इस फंड में कितना हिस्सा है, तो इसमें 49% हिस्सा है, जो कि सही है। और याद रखिए, यह जो फंड है इसमें तीन फंड शामिल हुए, तो NIIF जो है वह तीन फंड को मैनेज करता है। उस पर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF मैनेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग फंड। तो स्टेटमेंट देख रहे हैं, मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स, स्ट्रेटेजिक फंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। तो मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स, स्ट्रेटेजिक फंड, यह तीनों फंड्स NIIF द्वारा मैनेज किया जाता है। याद रखिए, मास्टर फंड में केवल कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो होता है उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट होता है इस फंड के द्वारा किया जाता है। याद रखिए, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर नहीं, यह कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉर्मली रोड्स, हाईवेज, ये सब आते हैं, याद रखिए। और जो सेकंड है फंड ऑफ फंड्स, यह नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए होता है, जैसे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर हाउसिंग प्लान हो गया, तो इसके लिए फंड ऑफ फंड्स होता है। और स्ट्रेटेजिक फंड नाम में ही स्ट्रेटेजिक है, तो यह रणनीतिक क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट फंड है। तो याद रखिए, ये तीनों फंड कौन मैनेज करता है, तो इसे NIIF द्वारा मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट सोपुतान इज लोकेटेड इन। यह न्यूज़ में था, और पिछले साल जून के बाद से यह लगभग हर महीने न्यूज़ में रहा है, तो इसलिए भी इसका लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UPSC में पूछा जा सकता है और PCS एग्जाम में पूछे ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए सुमात्रा, बी जावा, सी सुलावेसी, डी पपुआ न्यूगिनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, सुलावेसी। दोस्तों, सुलावेसी जो है पिछले साल से ही न्यूज़ में है, अभी मार्च तक, अभी पिछले दो तीन दिन पहले तक भी ये न्यूज़ में था। तो सुलावेसी द्वीप यह इंडोनेशिया का पार्ट है, और सुलावेसी द्वीप
पिछले वर्ष इसलिए भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे सुनामी आया था, अर्थक्वेक हुआ था, सुनामी आया था, इसलिए भी न्यूज़ में था। और यहाँ आए दिन भूकंप आते रहते हैं। और सुलावेसी द्वीप पर माउंट सोपुतान है, माउंट सोपुतान आए दिन महीनों में, 6 महीनों में, साल भर में हमेशा इसमें से ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, वोल्केनो इरप्शन होता है। और अभी 2-3 दिन पहले भी इसमें से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसके कारण भूकंप भी आए थे। तो याद रखिए माउंट सोपुतान कहाँ पे है, यह सुलावेसी द्वीप पर है। और सुलावेसी द्वीप कहाँ पर है, यह इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के किस द्वीप पर है, अब यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकती है कि यह सुमात्रा में है या फिर जावा में है, तो आप कहाँ बताएं। याद रखिए यह बोर्नियो में है, तो यह द्वीप बोर्नियो में है। एक बार मैप देख लेते हैं, तो आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा यह हमारा इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया का यह जो पार्ट है, यह जो द्वीप है, वह सुलावेसी द्वीप है। और यहाँ पर है माउंट सोपुतान। दोस्तों जो सुनामी आया था पिछले वर्ष, वह इस क्षेत्र में आया था। यह जो क्षेत्र दिख रहा है, यहीं पर सुनामी आया था। और आए दिन यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। और याद भी रखिए कि इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, जो द्वीप है, वह रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आते हैं, तो इसलिए भी यहाँ पे ज्वालामुखी उद्भेदन, भूकंप, सुनामी आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्दू अटॉल वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, वेयर इज़ इट लोकेटेड। ऑप्शन है ए सेशल्स, बी मालदीव, सी माइक्रोनेशिया, डी लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी मालदीव। तो दोस्तों यह जो अड्डू एटॉल है, वह मालदीव का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। और यह एक एटॉल है, कोरल रीफ से बना हुआ है। और याद रखिए एटॉल कैसे बनते हैं, इस पर भी यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो एटॉल्स के बारे में आप ज्योग्राफी में जाकर ज़रूर पढ़िए। पहले हम मैप में देख लेते हैं कि यह अद्दू एटॉल मालदीव में एक्चुअली कहाँ पर है। तो आप मैप देख सकते हैं, मैप में जो सबसे, यह है मालदीव पूरा। और मालदीव का जो सबसे दक्षिणतम आपको द्वीप दिख रहा है वह अद्दू एटॉल है। और यह क्यू न्यूज़ में, तो याद रखिए अभी पिछले वर्ष यहाँ पर हेलीकॉप्टर दिया गया था इंडिया की तरफ से, तो वह यहीं पे लैंड किया गया था। दूसरी बात, इसलिए भी अभी करंटली न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पर बीसीसीआई, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, वह यहाँ पर एक स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाहता है। और इसके लिए उसने मालदीव गवर्नमेंट से परमिशन भी लिया है। तो याद रखिए यह इसलिए भी न्यूज़ में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन डिस्कशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर भी करें। और अगर हमारे वीडियो को आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक भी करें और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू।